हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह है हुंडई क्रेटा पेट्रोल वर्सन का फ्यूल पंप है, तो इसको कैसे रिप्लेस करना है और क्यों रिप्लेस कर रहे हैं वो भी आज हम इस वीडियो में बोलेंगे। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये था जो गाड़ी सम टाइम लॉन्ग क्रैंकिंग का थोड़ा सा इशू था, मतलब हर टाइम नहीं हो रहा था, कुछ कुछ टाइम में ऐसा कस्टमर फेस कर रहा था लॉन्ग क्रैंकिंग के लिए। तो इसीलिए इस जो मोटर है, इस मोटर का हमने पहले रिप्लेस कर लिया, उसको रिप्लेस करके देखेंगे तो इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। हालांकि इस मोटर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर इस मोटर को चेंज करना है तो आपको जो इस वायरिंग जो है, पहले इस वायरिंग को डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस वायरिंग को डिस्कनेक्ट करने के बाद ये जो लॉक जो है, लॉक को खोलने के बाद आराम से वहाँ से हट जाएगा। इसके बाद इस साइड से एक कवर जो है, इस कवर को जो लॉक है उसको थोड़ा सा हाथ से खींच के ऊपर से उठा लेना है, बस। हाँ, अब ध्यान देना है इसको खुलने के टाइम में एक भी ओरिंग अगर मिसिंग ना हो, क्योंकि एक भी ओरिंग अगर मिसिंग हो जाए तो फिर भी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, वही लॉन्ग ब्रेक का इशू आया वो जैसे ही ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको नीचे पे फ्यूल पंप का कवर रहता है मोटर का, तो उस मोटर को कवर को हटा देना है, बस। अभी इसका जो ग्राउंड लाइन है, जो ग्राउंड फ्यूल पंप मोटर का उस ग्राउंड का जो वायरिंग है उसको भी डिस्कनेक्ट कर लेना है। उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद ये वाला जो फिल्टर, जो फिल्टर क्या है, फिल्टर माउंटिंग जो है, इस फिल्टर माउंटिंग को खोल लेना है। बस उस खोलने के बाद ये मोटर देखा पूरा आराम से जैसे निकल गया। हाँ, इस लॉक, अभी इसका जो लॉक है, इस लॉक को खोलना है, ध्यान दीजिएगा। इस लॉक को खोलने के टाइम में डैमेज मत कीजिएगा, अगर डैमेज हो जाए तो आपको पूरा फ्यूल पंप ही मांगना पड़ेगा, ये लॉक अलग से नहीं आता है। बस अभी मोटर से जो वायरिंग जो है, उस वायरिंग को डिस्कनेक्ट कर लेना है और जो नया वाला जो मोटर है उसको वापस से फिटिंग, नया वाला जो मोटर है उसका फिटिंग कर देना है। बस अभी जो नया वाला जो मोटर है इसको हम फिटिंग कर रहे हैं, तो कुछ ही नहीं है, बस जैसे ही खुला उसका रिवर्स वे में इसको फिटिंग कर देना है, बस वही है। हाँ, ध्यान दीजिएगा फिटिंग करने के टाइम में ओरिंग और जो ग्राउंड का जो कनेक्शन है मोटर का वो जरूर लगाए।
उसको आराम से इसका कवर के ऊपर बैठा देना है और सही से लॉक हुआ कि नहीं वो एक बार चेक कर लेना है।